नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पोस्ट की गई है वेलोसिक्स कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपकी इंटर्नशिप में भी क्या डिपार्टमेंट रहने वाला है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए, कौन कौन से बैचेस इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और दोस्तों कैसे आपको आसानी से इस जॉब में अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, ये जॉब पोस्ट की गई है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, इस जॉब का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वहां से जाकर आप इस जॉब के लिए बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, इसमें जो आपकी पोस्ट रहने वाली है इंटर्नशिप में, वो है दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न। और दोस्तों, इसमें जो आपकी लोकेशन रहेगी वो है भाई चेन्नई। अब पहले बता दूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। दोस्तों, यहां इन लोगों ने C++ लिख रखा है और उसके साथ लिख रखी है कोडिंग। अब भाई C++ के अलावा अगर आपको और भी लैंग्वेज आती है, जावा आती है, पाइथन, तो अभी भाई अप्लाई करना। अब ये बताओ, जो भी प्रोग्रामिंग करता है वो तो पाइथन में भी करता है, जावा में भी करता है, C++ में भी करता है। लॉजिक सेम होता है, डिफर कहां करता है सिंटेक्स में, या फिर डिफर कहां करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह में कर सकता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यार ध्यान रखो, जब इंटरव्यू आपका होगा वो आपसे लॉजिक पूछने वाले हैं, सिंटेक्स नहीं पूछने वाले। तो दोस्तों, अगर आपको C++ नहीं भी आती तो यार एक घंटा बैठो, दो घंटा या फिर 3 से 4 घंटे में दोस्तों आप एटलीस्ट सिंटेक्स तो सीख ही जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि कैसे सिंटेक्स चेंज होना है, और दोस्तों लॉजिक तो आपको आता ही है। अब मैं बता दूं कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से बैचेस इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली बता दूं दोस्तों, बीई बीटेक 2020 एंड 2021 दोनों के दोस्तों बीई बीटेक, और इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे ही अप्लाई करेंगे। अगर आप सीएस के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, तो भी भाई इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करो, या फिर आप और कोई ब्रांच के भी हो तो अभी अप्लाई करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस दोस्तों, यहां ये लोग मांग रहे हैं 70% एकेडमिक रिकॉर्ड्स इन 10th, 12th and UG। हाँ दोस्तों, 10th में भी, 12th में भी और अंडर ग्रेजुएशन में आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 70% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। फुल टाइम है दोस्तों, पेड इंटर्नशिप, ड्यूरेशन 6 to 8 months। अगर दोस्तों आप इंटर्नशिप अच्छी करते हो तो भाई आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एज अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। दोस्तों एक बात और बता दूं, फुल टाइम में जो इसकी सैलरी रेंज करने वाली है 6 to 8 LPA करेगी, बट दोस्तों आपको इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 15 से लेकर 20K तक मिल सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको थोड़ा आपके रोल के बारे में बता दूं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल। भाई आप बेसिकली C++ यहां लिख रखा है, मैं समझता हूं अगर आपको और भी लैंग्वेज आती है तो उस पर भी ध्यान देकर जरूर अप्लाई कीजिए। C++ यूज होती है, बाकी दोस्तों नेटवर्क से रिलेटेड ये कंपनी मेनली काम करती है उसी डोमेन में। जैसे कि आप देख सकते हो, वर्क इन CDN एंड VPP प्रोडक्ट्स एंड R&D टीम ऑफ वेलोसिक्स वीडियो डायवर्सिटी। सॉफ्ट स्किल्स इंटरपर्सनल लेवल, दोस्तों सॉफ्ट स्किल इंटरपर्सनल लेवल तो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। तो और ये कहीं ना कहीं हम सभी कैंडिडेट मीट भी करते हैं। टेक्निकल स्किल्स दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके पास भाई HTTP एंड RSTP की नॉलेज होनी चाहिए, वीडियो डोमेन के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स। अगर दोस्तों आपकी कंप्यूटर नेटवर्क्स आपने पढ़ रखी है तो आपको प्रोटोकॉल्स HTTP वगैरह की भी नॉलेज होगी। बट दोस्तों आता है लाइनिक्स, जहां दोस्तों लाइनिक्स की बेसिक कमांड देख लीजिएगा गूगल पर जाके, वही दोस्तों ये लोग पूछते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कंपनी ज्वाइन करते हैं बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है लाइनिक्स की कमांड्स, और यूज भी होती है डेली बेसिस पे। स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन C++ इन्वॉल्विंग मल्टी थ्रेडिंग, डिस्क ऑपरेशन एंड SOA। दोस्तों अगर हम मल्टी थ्रेडिंग, तो आप लोगों को मालूम होगा आपने ऊप्स कंसेप्ट में कर रखा होगा, अदरवाइज दोस्तों C++ के अलावा और कोई लैंग्वेज भी आती है तो मैं फिर से बता रहा हूं भाई, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, हमें अप्लाई करना है तो करना है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज भी दोस्तों आप देख सकते हो इनके, बेसिकली दोस्तों आपका बैकहेंड रिलेटेड वर्क होने वाला है इस कंपनी में। आपको बैकहेंड रिलेटेड और फ्रंट हेंड ज्यादा काम नहीं दिया जाएगा, बट मेनली आप डील करने वाले हो बैकहेंड रिलेटेड वर्क से। तो दोस्तों इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, अप्लाई भी भाई आसानी से करना है, इजी अप्लाई पर क्लिक करना है, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल आ जाएगी, वहां दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और दोस्तों अगर कुछ नोट मांगे तो उसमें लिख देना कि सर मुझे अपनी जो नॉलेज है
वो प्रैक्टिकली इम्प्लाई करनी है या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकूं, कुछ भी दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं आपको जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए। तो दोस्तों ये थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न की पोस्ट वेलोसिक्स कंपनी की तरफ से, तो भाई इसमें जरूर अप्लाई करना। बाकी दोस्तों मैं आप सभी को अपने चैनल के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूं। दोस्तों हम अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स और दोस्तों इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी डालते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलते रहे जॉब अपडेट्स के, इंटर्नशिप अपडेट्स के, और दोस्तों आप कोई भी जॉब अपडेट और इंटर्नशिप अपडेट मिस ना कर पाए। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपका डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक ले दोस्तों धन्यवाद।